गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिले में सोमवार को हुई छिटपुट बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। एडीएम फाइनेंस ने कहा, बारिश की वजह से ठंड का हो चुका है आगाज, कहीं भी कोई नुकसान की नहीं है सूचना। परंपरागत रूप से श्रद्धा के साथ मनाया गया भैया दूज और गोवर्धन पूजा। बहनों ने की भाइयों के लंबी उम्र की कामना। अब गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद अगरबत्ती से महकेगा घर आंगन। गौशाला के गोबर से वर्मी कंपोस्ट के बाद अब चढ़ावे के फूलों से अगरबत्ती भी। स्थानीय स्तर पर कुछ को रोजगार के साथ होगा पर्यावरण संरक्षण भी। गोरखपुर में सोमवार को मिले 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,560। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 356 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यम द्वितीया को कायस्थ समाज ने किया कलम दवात की पूजा। अपने कुल देवता चित्रगुप्त महाराज की आराधना, किया नमन। और शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित श्री गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाओं का सोमवार को भी राप्ती नदी के किनारे बने कृत्रिम पोखरों में किया गया विसर्जन। प्रशासनिक अमला रहा मुस्तैद।